पश्चिम बंगाल में जितनी तेजी से सियासी पारा चढ़ रहा है उतनी ही तेजी से ममता बनर्जी को झटके लग रहे हैं। टीएमसी के बागियों ने ममता को मुश्किलों में डाल दिया है। शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं के टीएमसी छोड़ने के बाद अब टीएमसी से विधायक रहे अरिंदम भट्टाचार्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस बागियों से परेशान है। एक के बाद एक टीएमसी नेता पार्टी को अलविदा कह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस बीच बीजेपी विधायक अरिंदम भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी को जोरदार झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अरिंदम भट्टाचार्य को दिल्ली में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। दरअसल बीते कुछ समय में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में एक और टीएमसी विधायक अरिंदम भट्टाचार्य के बीजेपी में जाने से ममता बनर्जी की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। नादिया से शांतिपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक अरिंदम भट्टाचार्य ने दिल्ली बीजेपी महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की। इसके बाद वो बीजेपी में आधिकारिक रूप से शामिल हो गए। बता दें कि भट्टाचार्य ने पहले कांग्रेस के टिकट पर शांतिपुर सीट जीती थी, लेकिन 2017 में वो टीएमसी में शामिल हो गए। टीएमसी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के बाद अरिंदम भट्टाचार्य ने कहा कि मैं कांग्रेस के सिंबल पर चुना गया था, लेकिन टीएमसी को समर्थन दिया ताकि विकास हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विकास न होने का हवाला देते हुए अरिंदम भट्टाचार्य टीएमसी छोड़ने की बात कहते नजर आए। वहीं हाल ही में ममता सरकार में मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। बाद में विधायक वैशाली डालमिया ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वैशाली का कहना है कि भ्रष्टाचार के कारण टीएमसी को नुकसान हो रहा है। जमीन पर भ्रष्टाचार पार्टी को दीमक की तरह खत्म कर रहा है। और बीते दिनों ही टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने भी बगावती तेवर दिखाए थे, हालांकि बाद में उन्हें मना लिया गया था। वैसे तो टीएमसी के कई नेता बीजेपी आए हैं, लेकिन पिछले कुछ महीने से सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं शुभेंदु अधिकारी। सीएम ममता के करीबी रहे शुभेंदु 2016 से नंदीग्राम से विधायक हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया, यानी कि अब चुनावों से पहले एक एक कर टीएमसी विधायक ममता का साथ छोड़ रहे हैं, जिससे ममता बनर्जी चुनावों से पहले ही मझधार में फंस गई हैं। पश्चिम बंगाल में इस साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी के बीच की जंग बढ़ती जा रही है। टीएमसी को पिछले कुछ दिनों में बड़े झटके लगे हैं। पहले शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी का दामन छोड़ा, उसके बाद कई विधायकों और नेताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसे में एक और विधायक अरिंदम भट्टाचार्य के बीजेपी में जाने से ममता बनर्जी की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।